नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली पर। क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल ही परिवार है हमारा, तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने हमारी फेवरेट संडे क्वेश्चन आंसर वीडियो। लास्ट वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन आपने पूछे हैं, इस वीडियो में रिप्लाई करूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में पूछो, अगली वीडियो में रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर मोहम्मद अबू बकर कह रहे हैं, हाउ टू यूज़ हाइपर मास, मास गिनर कैसे यूज़ करना चाहिए, इसको लेकर वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। अली राजपूत कह रहे हैं, दुबई में सप्लीमेंट मिल जाए। तो दुबई में तो सप्लीमेंट्स विला की तो सर्विस नहीं है, बट वहाँ पर आप जो है ऑथराइज जो भी शॉप है वहाँ पर ले सकते हैं। किसान का बेटा कह रहे हैं, सर जी मैं दोनों टाइम भैंस का दूध के साथ मांस गिना लेता हूँ, क्या दोनों टाइम सही लेना है? तो बिल्कुल सही लेना है, बाकी मांस गिना कैसे यूज़ करना है ये वीडियो आप देख सकते हैं। सैयद अहमद जी कह रहे हैं, सर मेरी मसल रिकवरी नहीं हो पा रही है, ये पहले फीलिंग आती थी। तो मसल रिकवरी नहीं हुई तो आप यहाँ पर प्रोटीन जो है यूज़ कर सकते हैं। रजत जी कह रहे हैं, भैया साइज़ गेनिंग डाइट बता दो। भैया आपकी वीडियो देखकर बहुत मदद मिलती है, आई लव यू सप्लीमेंट्स विला इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट शॉप। तो रजत जी को इतने प्यार इतने सपोर्ट के, दिल से धन्यवाद, आई लव यू टू। तो जल्दी ही मैं जो साइज़ गेनिंग को लेकर हाई प्रोटीन डाइट को जो है के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। चिराग जी कह रहे हैं, हाई सर, सोया मिल्क वाला वे प्रोटीन ले सकते हैं क्या, उसमें डाइजेशन होगा अच्छे से या नहीं, और कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं सोया मिल्क से या नहीं? तो सोया मिल्क का वगैरह अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सोया मिल्क वाला वे प्रोटीन, यार सोया मिल्क अलग होता है, सोया मिल्क मतलब वे प्रोटीन होता है वो जो दूध से बनता है, और सोया प्रोटीन जो सोए से बनता है। तो जिस वे प्रोटीन में सोया प्रोटीन है तो वो वे प्रोटीन किस बात का है यार? तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग ही लेना चाहिए आपको। कॉल जनता हेल्प करें, भाई मुझे भी सपोर्ट करो प्लीज़, वीडियो अच्छी है, ऑसम। तो थैंक यू इतने प्यार सपोर्ट के लिए, मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा है। पागलपंती कह रहे हैं, सर अगर मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ मॉर्निंग में आफ्टर वर्कआउट, तो क्या मैं सिट्रुलिन मोलेट ले सकता हूँ प्री वर्कआउट, ये कब लेना सही होगा, या दोनों साथ में लेना गलत है या सही है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, क्रिएटिन आप और सिट्रुलिन आप दोनों ही एक साथ ले सकते हैं एक्सरसाइज करने से पहले, बस थोड़ा सा टेस्ट में रहेगा, क्योंकि सिट्रुलिन थोड़ा खट्टा रहता है और क्रिएटिन का कोई टेस्ट होता नहीं है, और क्रिएटिन को जो है ग्लूकोज वगैरह या गन्ने के जूस वगैरह के साथ लेना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे तो देखो, मेरा सजेशन रहेगा कि आप क्रिएटिन को ले लें एक्सरसाइज करने से 15 मिनट पहले, और जब आप जिम में चले जाएं, वार्म अप आपका हो जाए 5-10 मिनट का, तब सिट्रुलिन ले लें, तो वो बेटर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, रेहान खान कह रहे हैं, भाई मैं 56 से 72 केजी होना चाहिए, क्या हम कौन सा मास गेनर लूँ? तो यहाँ पर ले आप पावर मास गेनर वर्ल्ड्स, मैं कहूँगा नंबर वन मास गेनर है रिव्यूज़ और रिजल्ट्स में। लबरड़ा वगैरह भी उसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं रिजल्ट और रिव्यूज़ में। बादशाह की प्रोडक्शन कह रहे हैं, मथुरा आउटलेट ओपनिंग कब है? तो जल्दी ही मथुरा आउटलेट ओपनिंग होगी, मे बी शायद 25 तारीख तक मैं जो है ओपनिंग वहाँ पर कर देंगे। प्रवीण गुजर कह रहे हैं, आई लव सप्लीमेंट्स विला, तो लव यू टू प्रवीण जी। रफ़ी पहलवान कह रहे हैं, भाई जी ओमेगा 3 दो टैबलेट एक साथ ले सकते हैं, टेस्टो पावर भी टैबलेट ले सकते हैं क्या एक साथ हार्ड वर्कआउट करते हैं? तो बिल्कुल, ओमेगा 3 के 2 सॉफ्ट जेल ले सकते हैं और टेस्टो पावर के 2 टैबलेट भी आप ले सकते हैं। विनीत फिटनेस कह रहे हैं, सर मेरा वेट है 55 केजी, 8 महीने हो गए हैं जिम करते हुए, अब मैं क्या लूँ साइज़ गेनिंग टैबलेट से, क्या और कितना गेन होगा? तो साइज़ गेनिंग टैबलेट देखो, वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगी, जो टेस्टो पावर है उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है आपकी मसल बिल्डिंग से या वजन बढ़ाने से। यहाँ पर आप लीजिए एक मास गेनर और उसके साथ एक क्रेडिन ऐड कीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यश सक्सेना कह रहे हैं, एक्सरसाइज के बीच में ORS ले सकते हैं क्या फोर स्ट्रेंथ? नहीं यार, स्ट्रेंथ के लिए ORS मतलब मैं तो कहूँगा कि कोई मतलब इतना खास तो कुछ हेल्प करेगा नहीं, बाकी हाँ ये है कि थोड़ा एनर्जी वगैरह आपको वो जरूर देगा। अगला क्वेश्चन है, शिवांश राइडर कह रहे हैं, सर मैं लीन गेन करना चाहता हूँ बिना फैट गेन किए, सर क्या मैं अवतार मसल गेनर और उसके साथ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और साथ में वर्कआउट के बाद प्रोटीन एक स्कूप ले सकता हूँ, कितने दिन में रिजल्ट आएगा? तो मैं समझ गया, तो आप देखो ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो यहाँ पर है सिंपली आप प्रोटीन ही लीजिए, क्योंकि लीन गेन करना चाहते हैं तो मसल गेनर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सिंपल आप प्रोटीन ले लीजिए, प्रोटीन में बेशक गेनिंग प्रोटीन्स ले लीजिए, जैसे आपका नाइट्रोटेक है, प्रोएंटियम है, स्टारक्स का पावर प्रो है, ये गेनिंग प्रोटीन्स हैं, इनको आप ले सकते हैं। मिस्टर अरवाज फिटनेस कह रहे हैं, सर आप लोनी में आए थे, मुझे पता नहीं था आप लोनी आए थे, मुझे आपसे मिलना था, तो मैं माफ़ी चाहूँगा अरवाज, नेक्स्ट टाइम कभी मेरा चक्कर लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। विनोद यादव जी कह रहे हैं, सर जी मेरी उम्र 32 है, हाइट 5'8" है, वजन 52 kg है, 2 महीने से गट पावर यूज़ करके छोड़ दिया हूँ, पहले से कुछ भूख अच्छा भूख है, फिर गट पावर लूँ या बंद रखूँ, अब मास गेनर ले सकता हूँ, कितने महीने से 52 से 70 तक हो जाएगा वजन बताए, कष्ट करें? तो गट पावर से आपकी भूख बढ़ गई है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको, और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि अब वो भूख घटेगी नहीं, एज इट इज़ रहेगी, तो गट पावर अब स्पेशल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मास गेनर पावर मास गेनर लीजिए यहाँ पर, और 52 से 70 का सफ़र आपका जो है, मेरे को कम से कम मुझे लगता है कि 5 महीने तो आपको कम से कम लग ही जाएंगे, 5 से 6 महीने।
अगला क्वेश्चन है शिवांश राइटर फिर कह रहे हैं, सर जी मुझे थोड़ी नाइट फॉल की प्रॉब्लम रहती है, वीक में एक या दो बार हो जाता है, तो क्या मैं टेस्टो पावर का यूज़ नहीं कर सकता हूँ? कुछ लोग बोलते हैं टेस्टो पावर यूज़ करने से नाइट फॉल की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, आप प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो सुनिए शिवांश की, जो टेस्टो पावर जो आप ले रहे हैं वो आपका ओवरऑल बॉडी ग्रोथ भी कराती है, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करती है, नो डाउट टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो आपकी जो है फिजिकल परफॉर्मेंस से लेकर मसल बिल्डिंग होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि नाइट फॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। टीन एज में कुछ ज़्यादा ही होता है, उसके बाद जब आप 25 प्लस जाएंगे देन वो कम होता चला जाता है। बाकी महीने में अगर दो तीन बार भी हो रहा है तो इट्स ओके यार, और आपको अगर देखें तो हफ्ते में एक लगाएं तो चार बार है, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन है भावेश पाटिल कह रहे हैं, भाई क्रिएटिन लेने से किडनी को इफेक्ट होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, बस पानी का आप ध्यान जरूर रखें। अगला क्वेश्चन है बंटी चौहान, भाई स्टारएक्स प्लस कोई और फ्लेवर में है क्या? तो अभी तो मेरे पास इसका जो है चॉकलेट फ्लेवर ही अवेलेबल है, इसका वनीला फ्लेवर बीच में आया था बट उसमें जो है टेस्ट का काफ़ी इशू था, तो इसलिए चॉकलेट ही अभी अवेलेबल है। प्रेम दिलवाला कह रहे हैं, सर मेरा वेट 65 से 70 के बीच में है और अभी मैं प्रोटीन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे नेचुरल डाइट से प्रोटीन की मात्रा पूरी करनी है, मैं जिम के बाद पोस्ट वर्कआउट में कितने एग लूँ प्लीज़ भाई मुझे बताएं। तो आप यहाँ पर जो है 6 अंडे ले सकते हैं जिम के बाद में, तो कोई प्रॉब्लम आपको जो है नहीं आएगी, या फिर आप डबल टोंड मिल्क भी ले सकते हैं कम से कम 700-800 ml। अगला क्वेश्चन आ रहा है अब्दुल रहमान कह रहे हैं, सुमित भाई आप अपनी शॉप लखनऊ में भी ओपन करें, आपसे मिलकर आपके हाथों से सप्लीमेंट्स लेना है, मैं आपसे आपके ही वेबसाइट से सप्लीमेंट मंगवाता हूं क्योंकि ओनली आपके ऊपर आप सप्लीमेंट में विश्वास है, आई लव यू सप्लीमेंट्स ला। तो अब्दुल रहमान जी को भी लव यू टू, और लखनऊ में भी मैं जो है ज़रूर शॉप ओपन करने के बारे में सोचूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें और जुड़े रहें सप्लीमेंट्स ला परिवार से। फिर अब्दुल रहमान कह रहे हैं, सुमित भाई मैं ओलंपिया में बॉडी बिल्डिंग गेम खेलना चाहता हूं, इसलिए आप बेस्ट सप्लीमेंट बताइए जिससे गर्मियों में मेरी तैयारी बेहतर हो सके। वेट 65 है, हाइट 5'5" है, एज 21 है, फिलहाल मैं मेंस फिजिक की तैयारी कर रहा हूँ, गर्मियों जुलाई में कंपटीशन है, अब ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता हूँ, सपना है मेरा इसलिए बेस्ट सप्लीमेंट बताइए, वैसे वेट इंक्रीज़ नहीं करना है। तो मैं समझ गया, यहाँ पर जो है आप प्रोटीन ही लीजिए, प्रोटीन में आप गेनिंग प्रोटीन्स की तरफ जा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं, और इसके साथ में आप टेस्टो पावर भी जरूर ऐड कीजिए। साहिल जी कह रहे हैं, सर एक बार हाइट प्री वर्कआउट की ओपनिंग रिव्यू वीडियो बना दो सर प्लीज़। तो मैं जल्दी ही इसकी जो है ओपनिंग और रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है राज चौधरी, भाई मैं ट्रेवल बहुत करता हूँ, क्या मैं मसल थ्रोन का ये कोई गेनर टेस्टो पावर ले सकता हूँ? तो मैं समझ गया, देखो इस ब्रांड के बारे में तो मैंने नहीं सुना है, बाकी टेस्टो पावर आप ले सकते हैं, और गेनर अगर आपको लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा पावर मास गेनर, और इम्पोर्टेड में अगर आप लेना चाहते हैं तो लबराडा। अगला क्वेश्चन है फाइटर 98D कह रहे हैं, सर मैंने टेस्टो पावर लिया है, बॉडी बनेगा या प्रोटीन पाउडर लेना होगा? देखो टेस्टो पावर से आपकी बॉडी का कोई डायरेक्ट बनने का लिंक नहीं है, टेस्टो पावर तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ स्टेमिना मसल बिल्डिंग बॉडी भी बनेगी, सब कुछ होगा। पर अगर मैं कहूँगा कि टेस्टो पावर लेने से सीधा आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं यार ऐसा नहीं है। बाकी हाँ प्रोटीन इनटेक तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे आप टेस्टो पावर लें या ना लें। अग्रवाल राज करें, भाई जी मैंने फर्स्ट टाइम क्रिएटिन लिया है, कैसे यूज़ करूँ प्रॉपरली, मुझे सुबह जिम जाता हूँ। तो यहाँ पर आप जिम जाने से 15 मिनट पहले उसको हाई जी आई कार्ब्स के साथ, जैसे ग्लूकोज वगैरह फ्रक्टोज वगैरह उसके साथ आप उसे लीजिए। अमन रनावत कह रहे हैं, कौन सा मास गेनर लूँ सर? हाइट 6'7" है और एज 22 है, वेट 51 है, चेस्ट इंप्रूवमेंट करना है, कौन सा मास गेनर लूँ? तो यहाँ पर पावर मास गेनर लीजिए आप यार, 6'7" 51 वेट मतलब कुछ है ही नहीं, पावर मास गेनर दी बेस्ट मास गेनर है उसे लीजिए। सुनील गोदारा जी कह रहे हैं, भाई जी पेट में पथरी है, गेनर लें या ना लें प्लीज़ रिप्लाई। देखो गेनर का कोई पथरी से लिंक नहीं है, ले सकते हैं बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिजिशियन से कंसल्ट एक बार जरूर करें। गौतम उपाध्याय कह रहे हैं, सर एल-आर्जिनिन क्या काम करता है? तो वो जो है आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड सप्लाई करता है, इन शॉर्ट कह सकते हैं मसल पंपिंग में काम आता है, मस्कुलरिटी में काम आता है, जो थोड़ी नशे वगैरह शो होने लगती हैं उसमें जो है थोड़ा हेल्प करता है, तो वो काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है। और इसके अलावा जो है एल-आर्जिनिन जो है इलेक्ट्रोलाइट डिसफंक्शन में भी काम आता है। तो गौतम उपाध्याय के फिर कह रहे हैं, सर मैं 4 दिन से ग्लूकोज में क्रिएटिन ले रहा हूं लेकिन बॉडी में कोई स्ट्रेंथ या एनर्जी नहीं आ रही है, ये कोई आपने मंगाया था 250 ग्राम मंगवाया था क्यों, क्या करना चाहिए? तो देखो मुझे नहीं पता है कौन सा आपने मंगवाया कौन सा नहीं, बाकी फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्रिएटिन्स में भी बहुत ज़्यादा मिलावट आती है, तो इसलिए अच्छा क्रिएटिन लें। अच्छे क्रिएटिन्स में आपके पास जो है ऑप्शन है, मसल टेक है, GNC है, स्टारएक्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास। और बाकी 4 दिन तो यार काफ़ी कम है, कम से कम 15-1 दिन आप उसे यूज़ करें, उसके बाद आप थोड़ा बताइएगा।
तो हसीबुर की कह रहे हैं हाय, तो है जी। पर सलमान खान कह रहे हैं 5 फुट 8 इंच हाइट है, मेरा वेट है 64 kg, मुझे अपना वजन करना है 76, कौन सा लें? तो 76 करना है तो मास गेनर लेना पड़ेगा, यहाँ पर आप पावर मास गेनर लीजिए, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सलमान खान फिर कह रहे हैं मैं आपके पास से मंगवाया है स्टार एक्स का गट पावर, उसके अच्छे रिजल्ट हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, तो दोस्तों आप भी ले सकते हैं सभी स्टार एक्स का गट पावर, जिसको भी भूख में समस्या है, क्योंकि भूख बढ़ेगी तो खुराक बढ़ेगी, खुराक बढ़ेगी तो गेनिंग होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सुशांता जी कह रहे हैं मेरा एज 31 है, वेट 47 kg है, क्या प्रोटीन लेने से अच्छा होगा? तो बिल्कुल आप जो है प्रोटीन यहाँ ले सकते हैं, बट आपका वजन काफ़ी कम है, तो मेरे हिसाब से आपको पहले एक बार मास गेनर लेना चाहिए, उसके बाद प्रोटीन लें, पावर मास गेनर यहाँ पर आप लीजिए ताकि अच्छे रिजल्ट आ सके। अंकुर यादव कह रहे हैं भाई कैमिलेवर एनाबॉलिक मास गेनर 15 LVS प्लस टेस्टो पावर गट पावर प्लस क्रेटीन का प्राइस क्या है, और इस टैग के साथ जिम जाना जरूरी है या बिना जिम के भी यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल देखो जो है यहाँ पर बिना जिम के तो मतलब फिर इसमें से आप जो है क्रेटीन को हटा दीजिए और जिम जरूर जाइए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो टेस्टो पावर 1550, गट पावर 1350, क्रेटीन 1200, और एनाबॉलिक जो मास गेनर है वो है आपका 6500 का। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं सप्लीमेंट सलाह से। गॉड ब्लेस यू भैया, तो थैंक यू जी। सागर गुजर कह रहे हैं भाई वजन बढ़ाने का कौन सा मास गेनर? तो पावर मास गेनर दी बेस्ट मास गेनर है वजन बढ़ाने के लिए। रातुर कह सकते हैं हाय सुमित भैया, मसल साइज बढ़ाने के लिए क्या डाइट लें? मेरा 70 किलो वेट है, 6 फीट हाइट है, मुझे सिर्फ मसल साइज बढ़ाना है। तो हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, हाई प्रोटीन सोर्सेज में आपका दूध है, अंडे हैं, आपके जो हैं दालें हैं, तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। भाई लाल सोनकर कह रहे हैं भाई मेरा 8 kg वजन बढ़ गया है, मैं उत्तर प्रदेश सहेपुर गाजीपुर ए हूँ, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ भाई, मैंने स्टारएक्स पावर मास गेनर 6 kg सप्लीमेंट विला से मंगाया था, मैं बहुत खुश हूँ और वजन बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्या मैं मल देना ले सकता हूँ? मल दाना ये क्या है, मैं समझ नहीं पाया, कैसे यूज़ करूँ? 6 kg मैं गाना चाहता हूँ, यूज़ कैसे यूज़ करूँ, कोई प्लीज़ बताए। तो मैं समझ गया, आपने सबसे पहले तो देखो आपको बधाई है कि आपने जो है 8 kg वजन बढ़ाया है स्टार एक्स पावर मास गेनर का, और रिजल्ट हैं भी उसके अच्छे। बाकी सेकंड क्वेश्चन में आपका समझ नहीं पाया हूँ, थोड़ा मुझे अच्छे से बताएं ताकि मैं प्रॉपर आंसर कर सकूँ, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राहुल मंडल कह रहे हैं हेलो भाई मेरा नाम राहुल है, असानोल से हूँ, हाइट 162 सेंटीमीटर, वेट 50 kg, हाइट कैसे बढ़ाएं? तो हाइट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं आता है, स्ट्रेचिंग करो, डाइट अच्छी लो, उसी से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। मनप्रीत सिंह कह रहे हैं सर आप गारंटी लेते हो कि पावर गेनर यूज़ करके उसे छोड़ने के बाद फिर से बॉडी पहले जैसे नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी मनप्रीत जी, बट देखो डिपेंड करता है डाइट, अगर आप डाइट अच्छे से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप पता है क्या होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है और 90% ऐसा होता है कि हम गेनर ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, अच्छे से जिम जा रहे हैं, रिजल्ट आ गए हैं, गेनर तो खत्म हो ही चुका है। अब क्या होगा कि ना हम जिम जा रहे हैं ना हम डाइट ले रहे हैं, सुबह के निकले निकले शाम को आ रहे हैं, तो फिर वजन को कैसे रोकोगे आप? देखो शरीर का सिंपल सा फंडा, इसे खुराक दो ये मोटा तगड़ा हो जाएगा, इसे खुराक ले लो ये सिकुड़ जाएगा, ये आपके सबके हमारे सबके साथ है, और ये सप्लीमेंट के साथ नहीं डाइट के साथ भी है। तो इसलिए आप डाइट का प्रॉमिस कीजिए कि आप उसको अच्छे से फॉलो करते रहेंगे तो वजन 1 इंच भी आपका नहीं डाउन होगा। अगला क्वेश्चन विवेक जी कह रहे हैं सर बेस्ट सप्लीमेंट पावर कौन सा है? सप्लीमेंट मतलब किस पर्पज से आपको सप्लीमेंट चाहिए? अगर पावर बढ़ाने का गोल है तो क्रेटिन लीजिए, सबसे अच्छा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है हाइट है 5'7", स्टार्टेड फ्रॉम 92 kg, करंट वेट 80 kg, एक्सपीरियंस 6 months, एज 18 ईयर्स, रिकमेंडेड मी सप्लीमेंट ब्रो एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी टू सप्लीमेंट्स वाला फैमिली, रिकमेंड मी सप्लीमेंट। तो यहाँ पर आगे का बॉडी गोल क्या है आपका वो तो बताइए, कि आप और वजन कम करना चाहते हैं या मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, थोड़ा मुझे अपना गोल बताइए। बहुत अच्छी बात है 92 से 80 आए हैं, 12 किलो आपने वेट लॉस किया है, बट आगे क्या करना चाहते हैं आप, तो वो मुझे प्रॉपर बताइए ताकि मैं प्रॉपर आंसर कर सकूँ। आतिफ अली कह रहे हैं सर विदाउट जिम मास गेनर ले सकते हैं, सर कौन सा मास गेनर लूँ जिससे कैसे तरह का दिक्कत ना हो? तो बिल्कुल विदाउट जिम आप मास गेनर ले सकते हैं, और पावर मास गेनर दी बेस्ट मास गेनर है, आप उसे ऑर्डर कीजिए सप्लीमेंट्स विला से। रिहान कुरैशी कह रहे हैं सर मेरी हाइट है 6 फिट, वेट है 71 है, मुझे कौन सा गेनर लेना चाहिए, RC किंग मास गेनर या पावर मास गेनर, जिससे कि मुझे रिजल्ट फास्ट मिल जाए? तो मैं समझ गया आपकी बात, देखिए फास्ट रिजल्ट मिल जाए आप यहाँ पर लीजिए पावर मास गेनर, पावर मास गेनर काफ़ी अच्छा है, और आपकी हाइट 6 फीट के हिसाब से काफ़ी कम है, और क्रेडिन भी आप साथ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर मास गेनर बेस्ट रहेगा।
तारिक जमील कह रहे हैं सर आप कब से इंडिया के बाहर से ऑर्डर लेना शुरू करेंगे। तो तारिक जमील भाई मैं इसको लेकर मैंने जो है इंक्वायरी भी डाली है जो हमारे कोरियर पार्टनर हैं उनको लेकर भी, बट अभी कोरोना गाइडलाइंस की वजह से जो है उनके भी कोरियर नहीं जा पा रहे हैं। मे बी शायद जो है आने वाले एक दो महीने में ये सर्विस भी स्टार्ट हो जाएगी। मिस्टर इकबाल कह रहे हैं सर मैं डाइट नहीं खा सकता, सिर्फ खाना खा लेता हूँ, मुझे बॉडी बनाना है तो मैं डाइट पूरी कैसे करूँ, बिना अंडे चना मीट मिल्क ना खाए बॉडी कैसे बनाऊं। तो यहाँ पर आपकी हाइट क्या है, यहाँ पर आपका वेट मतलब जो है वेट कितना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो प्रॉपर आप जो है मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोनू कुमार कह रहे हैं भाई जी एक शॉप लुधियाना में खोलो तो जरूर इसके बारे में मैं सोचूंगा। अगला क्वेश्चन है जस करण कह रहे हैं भाई स्टारएक्स मास गेनर गर्ल्स भी ले सकती हैं, तो बिल्कुल ले सकती हैं भाई। स्टारएक्स मास गेनर की बाल्टा से मास बढ़ता है या वेट, तो इससे आपका वेट बढ़ेगा, वेट में आपका जो है ऐसा नहीं है कि बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत फैट भी आएगा बट ऐसा नहीं होगा कि स्पेशल पेट निकल गया गाल फूल गया। अब यार नेचुरल सी बात है जिसका वजन ही 40-45 किलो है, अब आने दो शरीर भरने दो, पहले स्टार्टिंग में वेट 60 kg है लेकिन मास नहीं है, तो यहाँ पर 60 किलो वजन है, हाइट कितनी है बताइए। अगर 60 किलो वजन में आपकी हाइट है 5'4", तो फिर मास गेनर की जरूरत नहीं है, फिर मसल गेनर या प्रोटीन आप लीजिए। यहाँ पर वंश जी कह रहे हैं भाई मेरी एज है 15.5, हाइट है 5'10", वेट है 66 kg लेकिन मसल साइज नहीं बढ़ रहा है, सप्लीमेंट नहीं ले सकता जो जल्दी मसल साइज बढ़ाने के लिए, क्या करें, कितने टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए। और भाई गेनिंग कर रहा हूँ 6 महीने हो गए हैं, तो पहली बात ये कितने टाइम गेनिंग तक करनी चाहिए और गेनिंग में भी एब्स कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। एक्सरसाइज आप जो है चाहे कोई छोटी मसल अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो आप जो है उसके 6-7 एक्सरसाइज कर सकते हैं 3 sets each, और अगर बड़ी मसल है कोई तो आप उसकी 8-10 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो और बाकी देखो डिपेंड करता है कि आपकी एज अभी काफ़ी कम है तो आप ज़्यादा ट्रेनिंग भी ना करें, अभी तो आपको जो है 15.5 है क्योंकि अभी आपकी हाइट भी इंक्रीज़ होनी है, तो आप जो है ओवरऑल फिटनेस पर्पज़ से एक्सरसाइज कीजिए। बाकी गेनिंग में भी एप्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। गेनिंग का मतलब है कि आप मसल साइज गेन करना है, अगर वेट बढ़ाना है तो उसमें फिर जो है आपका डाइट जो है वो हाई कार्बोहाइड्रेट जाएगी, पर आपको जो है यहाँ पर 66 किलो वजन है तो वेट पर नहीं मसल्स पर फोकस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रविंद्र रावत कह रहे हैं भाई मथुरा में ओपनिंग कौन सी तारीख को है। भाई मैं MP से हूँ, मैं आपकी वीडियो रोज देखता हूँ, जब से जुड़ा हूँ पूरे वीडियो लाइक करता हूँ, मुझे मास गेनर लेना है मथुरा से। भाई आप दिल से बहुत अच्छे हो, आप एक बार मिलना है, मेरे वजन 58 के लगभग है, 22 साल का हूँ, 6 फुट है हाइट है, प्लीज़ सपोर्ट, लव यू भाई। तो लव यू टू रविंदर जी। सबसे पहले बता दूँ मथुरा की जो ओपनिंग है अभी डिसाइड नहीं है, बाकी 25 फेब तक जो है मैं ट्राई करूँगा कि ओपनिंग हो जाए, और आप यहाँ पर जो है नो डाउट आप पावर मास गेनर लीजिए, और मोस्ट वेलकम है आप मथुरा ओपनिंग वाले दिन ही आइएगा, मैं इंस्टाग्राम पे भी जो है उसकी डेट अनाउंस कर दूंगा, तो जरूर आइएगा सप्लीमेंट्स विला मथुरा आउटलेट, मैं आपका इंतजार करूँगा। ओवाइस के व्लॉग कह रहे हैं हेलो सर मैं कर्नाटक से हूँ, मैं सप्लीमेंट विला से मास गेनर लेना चाहता हूँ, कैसे लूँ, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिए डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अरमान खान कह रहे हैं सर पावर मास गेनर 6 kg करंट प्राइस तो 5400 है। और इसके व्लॉग्स कह रहे हैं सर सप्लीमेंट्स वाला को सैल्यूट है, आप बहुत अच्छे से समझाते हो सर, तो इतने प्यार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद है भाई आपको भी, और जोड़िए सप्लीमेंट्स वाला से सभी को। तरुण जी कह रहे हैं सर माई एज इज 16, क्या मैं क्रेडिन ले सकता हूँ, तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पानी का ध्यान रखिएगा। और PTG व्लॉग कह रहे हैं सर मेरा वेट 49 है, मेरी बॉडी बिल्कुल लो है, मुझे कितना महीने लेना चाहिए, कितने महीने लेने चाहिए, क्या लेना चाहिए। आप यहाँ पावर मास गेनर लीजिए और एक मास गेनर में ही आपका वजन जो है 60 तक पहुँच जाएगा, पावर मास गेनर 6 किलो का बाल्टा लीजिए। अंकुश जी कह रहे हैं हाय सर क्या GNC वे प्रोटीन में रनिंग में यूज़ कर सकता हूँ, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। KGN देसी फिटनेस कह रहे हैं सर मसल गेन करना है कौन सा प्रोटीन, तो मसल गेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर गेनिंग प्रोटीन नाइट्रोटेक ProNTM पावर प्रो साइज गेन प्रोटीन इनमें से आप कुछ लीजिए। विक्रांत जी कह रहे हैं मैंने 15 दिन से स्टारएक्स न्यूट्रिशन पावर प्लस मसल गेनर टेस्टो पावर क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अब मैं पहले से डबल वेट लिफ्ट करने लगा हूँ, 2 kg वेट भी बढ़ा है, मसल गेन हो रही है, आपके कॉल भी आए, आपने मेरी डाइट प्लान बनाया, क्वेश्चन के लिए रिप्लाई करते हैं एकदम फैमिली की तरह, इतने प्यार और सपोर्ट से थैंक यू सप्लीमेंट सलाह। तो विक्रांत जी को सबसे पहले बधाई है और इसी तरीके से मैं आपके साथ लगा रहूंगा, पर आपको भी सप्लीमेंट सलाह का पूरा साथ देना है, जोड़ना है सभी को सप्लीमेंट्स विला फैमिली से। अगला क्वेश्चन है कृष्ण ठाकुर कह रहे हैं भैया जी नमस्ते, भैया जी फिश ऑयल यूज कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लंच के बाद ले सकते हैं फिश ऑयल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सहवेज माँ मौसम भाई जान तो थैंक यू जी। मूवीज़ की दुनिया कह रहे हैं सर टेस्टो पावर टैबलेट हल्दी वाले दूध के साथ ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, तो और अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऋतिक चौधरी कह रहे हैं सर आपके पास में आइसोलेट प्रोटीन है, अगर है तो प्राइस क्या है, तो इसका नहीं है प्राइस क्योंकि अवेलेबल नहीं है। देखिए बेसिकली क्या है कि जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं उसमें मैंने डील करी थी पर बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ हैं,
बस अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, मार्केटिंग पर जितना पैसा लगाते हैं उतनी क्वालिटी पर लगाते हैं तो मुझे लगता है प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, बट बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो फिर इसको जो है हम अवेलेबल नहीं रखते हैं सप्लीमेंट्स वाला पर। सप्लीमेंट्स वाला पर बेसिकली आपको लिमिटेड ब्रांड्स इसीलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा गोल सेल का नहीं है, हमारा गोल है फैमिली को सेटिस्फाई करने का, रिजल्ट दिलाने का। जिस ब्रांड के रिव्यूज़ रिजल्ट अच्छे हैं वही ब्रांड हम आपको सजेस्ट करते हैं। और फिर कह रहे हैं सबसे सस्ता आइसोलेट प्रोटीन, तो सबसे सस्ता आइसोलेट प्रोटीन है BPI और GNC 5400 2 kg। यहाँ पर ऋषभ कह रहे हैं सर मुझे पाद आती है जब भी प्रोटीन लेता हूँ तो उसे कैसे रोकें। तो यहाँ पर आपको पाद आता है तो देखिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफ़ी बार जो है हो जाती है प्रोटीन से और बहुत सारे लोगों को ये रहती है। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या करें कि जब आप प्रोटीन लें तो सबसे पहले तो प्रोटीन के साथ थोड़ा सा कार्ब्स ऐड कर लें, थोड़े बनाना वगैरह ऐड कर लें, वाटर इनटेक अच्छा रखें, मतलब 200-250 ml पानी ना लें, कम से कम 400-500 ml लें। उसमें थोड़ा टेस्ट तो आपका हल्का हो जाएगा बट उससे आपको काफ़ी ईजी रहेगा, डाइजेशन में बढ़िया रहेगा। और दूसरा अगर आपको स्टिली प्रॉब्लम होती है तो आप जो है गट पावर भी यूज़ कर सकते हैं उसको, उससे आपका जो है डाइजेशन ओवरऑल ठीक हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आकाश जी कह रहे हैं भाई मैं मथुरा से हूँ, मुझे मथुरा शॉप का एड्रेस दीजिए। मथुरा शॉप है कृष्णा प्लाजा, जी हाँ कृष्णा प्लाजा शॉप है। जब कृष्णा प्लाजा में एंट्री करेंगे तो आपके जो है लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल लास्ट वाली शॉप है, तो जल्दी ओपनिंग होगी और मिलूंगा मैं आपको सप्लीमेंट्स विला मथुरा। किंग्स गोस्वामी कह रहे हैं सुमित भाई जी राम राम, तो हमें पावर मास गेनर का बाल्टा लिया था और अब मसल गेनर ले रहे हैं पावर प्लस का, लेकिन सुमित भाई हमारा अब पेट निकल रहा है क्यों, जिम तो जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल देखो आपने जो मास गेनर लिया है उससे आपका वेट पुट ऑन होता है, और देखो जब पूरा शरीर भरेगा तो थोड़ा बहुत पेट निकलने के भी चांसेस रहता है, ऐसा नहीं पूरा पेट निकल जाता है। अब यहाँ पर जिम जा रहे हैं आप, थोड़ा सा अपने कार्ब्स इनटेक को थोड़ा लिमिटेड कीजिए और मसल गेनर को पानी में यूज़ कीजिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट आप जो है एब्डोमिनल को भी ट्रेन कीजिए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी देखिए जब गेनिंग मोड पे होते हैं थोड़ा बहुत तो पेट आएगा तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बाकी थोड़ा सा डाइट पे आप कंट्रोल करके चलिए, प्लस में आप मसल गेनर को पानी में ही लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रिंस जी कह रहे हैं हेलो भैया नमस्ते, मेरे को एक चीज़ पूछना है आपसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरा वजन कम है तो मेरे को पावर मास गेनर लेना है ठीक है भैया, 6 किलो की बाल्टी चाहिए क्योंकि मेरे पर इतना पैसा नहीं है जो मैं सप्लीमेंट ले लूं, तो आपसे ये बात पूछना चाहता हूं मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है जो मैं मास गिनर ले लूँ, मैं आपके महीने के 1000 रुपये ले सकता हूँ, हर महीने पेटीएम कर दूंगा जितने का भी आपका सप्लीमेंट होगा, एक वीडियो बनाकर भाई उसमें रिप्लाई देना मेरी बात का, ओके भैया बाय। तो प्रिंस जी देखो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि जो ये आप कह रहे हैं कि EMI वाला जो सिस्टम है वो अभी सप्लीमेंट्स वाला पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपसे अभी माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपका बजट कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है नेचुरल डाइट पर फोकस करें, सुबह शाम का क्या कहना है ये वीडियो मैंने बनाई हुई है आप ये फॉलो कीजिए। अगला क्वेश्चन है नवजोत जी कह रहे हैं सर मैंने पावर मास गेनर की 3 kg की पैकिंग ली थी तो अच्छे रिजल्ट मिले, 58 kg से 66 kg हो गया, बढ़ गया मेरा वजन, 6 kg पैकिंग ली उससे क्या, बट तब मैंने वेट चेक नहीं किया, मैं बीमार रहा 1 month तो डाइट भी बंद हो गई, उसके बाद थोड़ा सा गेनर रह गया था उसको 10 days यूज़ किया, वेट चेक करवाया तो 65.50 kg रह गया, सर वेट कैसे कम हो गया, सर मेरी हाइट 6'1" है, एज 18 ईयर है, अब मैं पावर मास गेनर 3 kg पैकिंग गट पावर टेस्टो पावर ले सकता हूँ, मेरे पास क्रिएटिन अभी है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके साथ ये जो बीमारी वाली प्रॉब्लम हुई है, डाइट वाइट छूटी है तो उसकी वजह से जो है वेट थोड़ा सा डाउन हो गया है, अदरवाइज आपका वेट एज इट इज़ रहेगा। देखो कोई मेडिकल कंडीशन ना है तो हमारा वेट घटता नहीं है, बाकी देखो यार ये तो मतलब जो है नेचुरल सी बात है शरीर का, आप जो है इसको खुराक दो गेनर वगैरह खाओ तो ये मोटा हो जाएगा, इससे खुराक छीन लोगे तो ये पतला हो जाएगा, तो ये तो सभी के साथ है। बाकी आप डाइट का विशेष ध्यान रखें और पावर मास गेनर आप यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है KP गेमर कह रहे हैं भाई मेरी हाइट 5'7" है, वेट 52 है, क्या लूँ प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ पर 52 वेट है तो आप पावर मास गेनर लीजिए ताकि वजन आपका बढ़ सके। मोनू कुमार कह रहे हैं सर मैंने मास गेनर मंगवाया था उसमें स्क्रैच कोड नहीं निकला है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपके यहाँ से ही मंगवाया था। तो मोनू जी आपने कौन सा मास गेनर मंगवाया है, क्या प्रॉब्लम हुई है, तो आप प्रॉपर डिटेल जो है वो जो है हमारे व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आप उसका सॉल्यूशन कर सकें। मोहसिन खान कह रहे हैं भाई हाइट है 5'7" मेरा वेट है 55, मेरा वेट कितना होना चाहिए। तो 5'7" के हिसाब से आपका एटलीस्ट जो है वेट जो है 65 से 70 के बीच तो कम से कम होना ही चाहिए, तो आप यहाँ पर एक मास गेनर अभी स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्टो पावर कितने दिन यूज़ कर सकते हैं और मैं महाराष्ट्र से
सतारा से हूँ, क्या यहाँ आपका कोई शॉप है? तो शॉप तो नहीं है बट कुरियर सर्विस अवेलेबल है, और टेस्टो पावर को आप जो है 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं लगातार। एस्थेटिक फिट कह रहे हैं भैया, आई एम यूजिंग फिश ऑयल, प्रोटीन, क्रिएटिन एंड टेस्टो पावर टेबलेट्स, इज इट परफेक्ट फॉर मसल बिल्डिंग? एंड प्लीज़ टेल मी द प्रॉपर टाइमिंग टू टेक दीज सप्लीमेंट्स, लव यू एंड कीप गोइंग। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, फिश ऑयल आप जो है लंच करने के बाद, प्रोटीन एक्सरसाइज के बाद पानी में, क्रिएटिन एक्सरसाइज करने से पहले आप लीजिए, गन्ने के जूस में बेस्ट रहेगा, बाकी आप उसको शहद वगैरह ग्लूकोज वगैरह में ले सकते हैं। टेस्टो पावर टेबलेट आप रात को दूध के साथ लीजिए, मसल बिल्डिंग के लिए दी बेस्ट है। डाइट का ध्यान रखिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग वर्कआउट कीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। आकाश जी कह रहे हैं सर मेरा वेट है 58, हाइट है 5 फिट 5 इंच, तो प्रोटीन लो या गेनर? तो यहाँ पर प्रोटीन बेटर ऑप्शन है क्योंकि 5-5 के हिसाब से वेट ओवरऑल मतलब ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन में आप जो है बेशक गेनिंग प्रोटीन ले सकते हैं, यहाँ आप मसल गेनर भी ले सकते हैं, स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर प्लस मसल गेनर, 22 ग्राम प्रोटीन 25 ग्राम काप्स वाला। विनीत फिटनेस कह रहे हैं क्या गेनर खाने से हाइट पर कोई इफेक्ट पड़ता है? तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उससे आपकी हाइट मतलब बढ़ने में हेल्प ही होगी क्योंकि सारे न्यूट्रिशन है उसके अंदर, जैसे पावर मास गेनर है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें, आपका जो है प्रोटीन है, सारे विटामिन मिनरल्स हैं, तो हाइट बढ़ने में हेल्प कर सकता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। प्रणय जी कह रहे हैं सुमित भाई मसल बिल्डिंग के लिए मैं ई डबल ए लूँ या क्रिएटिन लूँ, क्या बेस्ट होगा? तो मसल बिल्डिंग के लिए डायरेक्ट कनेक्शन ई डबल ए का है, क्रिएटिन का भी है बट वो इनडायरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दिलीप जी कह रहे हैं सर आरसी प्रोविंडियम का 7 डेनाबॉल ले सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा आपको, जहर लेने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं कि जहर मैं ले सकता हूँ, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आपको डेनाबॉल ना लेने की सलाह दूंगा और लेने दूंगा भी नहीं, तो बिल्कुल ना लें इस जहर को, नुकसान बहुत ज़्यादा है। फिर दिलीप जी कह रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कह रहे हैं वीडियो बनाओ तो इसको लेकर वीडियो बनाऊंगा, 10 सप्लीमेंट बताओ सर, एक शॉप करनी है सप्लीमेंट के, तो मैं समझ गया। देखिए यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 10 सप्लीमेंट आपका क्या बॉडी को लेकर आनी है, आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि प्रॉपर आपको आंसर कर सकें। मिशन जी कह रहे हैं कब आ रहे हो मथुरा? तो जल्दी ही मथुरा आ रहा हूँ, मे बी शायद 25-26 की ओपनिंग में रहूँगा और डेट मैं जल्दी अनाउंस करूँगा। अगला क्वेश्चन है मोहिन खान कह रहे हैं सर घट पावर कैसे लें, हाइट 5 फुट 5 है, वेट 50 kg है? तो बिल्कुल जो है आप गट पावर को लंच करने के बाद लें पानी के साथ एक टैबलेट। रंजीत जी कह रहे हैं सर आपका दिल से धन्यवाद है, आप सबके मैसेज रीड करते हो और इतनी सपोर्ट कर रहे हो, और प्लीज़ पंजाब वाले भाइयों को आपकी बहुत ज़रूरत है, पंजाब में सबसे ज़्यादा फेक सप्लीमेंट है, प्लीज़ स्टोर ओपन करो जल्दी सुमित भैया, दिल से लव यू आपको। तो रंजीत जी जल्दी ही मैं पंजाब में भी एक स्टोर जल्दी ही डालूंगा, तो आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें, बाकी पीछा मैं आपका छोड़ूंगा नहीं। अगला क्वेश्चन है दीपक शर्मा कह रहे हैं रनिंग के लिए बेस्ट प्री वर्कआउट बता दीजिए, साइकोटिक कैसा है, क्या पीच मैंगो फ्लेवर में भी आता है, ये फेक कैसे पता करें? तो दीपक शर्मा जी बिल्कुल सप्लीमेंट्स विला से आप लीजिए, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स, और फेक हर चीज का आता है, साइकोटिक की भी कॉपियां मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बच्चों फेक माफिया से, और सप्लीमेंट फिलहाल पर अवेलेबल है, साइकोटिक प्री वर्कआउट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्रवाल राज कह रहे हैं भाई जी 1 टैब ग्लूकोज में क्रिएटिन गुड और बैड? तो बिल्कुल गुड है क्रिएटिन, जो है ग्लूकोज में आप लीजिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बाकी गन्ने के जूस मिलेंगे तो और अच्छा रहेगा। निंजा गेमिंग कह रहे हैं भाई मास गेनर पे जो ऑफिशियल इंपोर्टर स्टिकर होता है वो भी फेक आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं, वन साइंस को लेकर वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैंने बताया हुआ था उसमें जो है फेक जो है मसाला उसका टैग था, GMC का जो है फेक टैग है, बहुत ही ज्यादा चालाक है फेक माफिया, इसलिए तो मैं कहता हूं कि सप्लीमेंट्स लेने हैं तो सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला से। अगला क्वेश्चन है प्रवेश जी कह रहे हैं पहले कि इस बार भी कोई टी शर्ट नहीं मिली, आपने इस बार वादा किया था, ये गलत बात है, या तो आप पहले बता दो कि बॉक्स में क्या क्या मिलेगा, हर बार शेकर भेज देते हो, बट आई विल से सप्लीमेंट्स इज ऑसम। प्रवेश जी मैं माफी चाहता हूं, देखिए मुझे नहीं पता कि क्यों प्रॉब्लम हुई है, जबकि यार टी शर्ट तो अवेलेबल है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, और मैं आपको स्पेशली एक नहीं 2 टी शर्ट कोरियर कराऊंगा, आप व्हाट्सएप कीजिए, हमारी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और नो डाउट मुझे मेरा याद वादा याद है और मैं उसको निभाऊंगा, और 2 अलग अलग कलर की टी शर्ट भिजवाऊंगा मैं आपको, आप व्हाट्सएप कीजिए जरा। दिलीप वर्मा कह रहे हैं सर मैं 2 टाइम रनिंग करता हूं, तो कुछ ऐसा बताओ कि मैं 2 घंटा वर्कआउट में खत्म हो कि वो वापस आ जाए, कोई सप्लीमेंट स्टैक बताओ, मेरा वजन 53 है, 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। देखो रनिंग करने वाले का वजन इजीली नहीं बढ़ता है, बाकी फिर भी हाँ मास गेनर आप ले सकते हैं, और ड्यूरिंग रनिंग अगर आपको एनर्जी चाहिए तो EWA सप्लीमेंट बेस्ट है। अच्छा से भी कह रहे हैं सर GNC वेट गेनर कैसा है कंपेयर टू पावर मास गेनर के मुकाबले? तो GNC वेट गेनर पावर मास गेनर में मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि पावर मास गेनर काफी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि पावर मास गेनर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हैं, प्रोटीन जो है उसमें ब्लेंड फॉर्म में है, उसमें सारे विटामिन मिनरल्स हैं, तो GNC और पावर मास गेनर को कंपेयर हम नहीं कर सकते। GNC में एक खास बात है सिर्फ, वो है प्राइस। जी हाँ GNC की प्राइस काफी कम है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा भरे हुए हैं, वो भी सिर्फ माल्टोडेक्सिन सिंपल कार्ब्स। ऑफिशियल टैग समीर कह रहे हैं सर आप क्या कर रहे हो, पावर मास गेनर 3 kg वाला 3200 रुपये, 2900 रुपये, 2500 रुपये, मैंने 3200 का लिया है, 2500 में
है, मैं क्या करूं भाई। देखो मुझे समीर समझ नहीं आ रहा है कि देखो 2900 रुपये इसका रेट था बहुत पहले, 2500 कभी भी नहीं था, और अब जो रेट है इसका वो 3200 है। 2900 तो काफ़ी पहले था, 3200 अभी है क्योंकि प्राइस हाइक हुए हैं, और 2500 कभी भी रेट नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है सुहेल रहमान कह रहे हैं भाई भाई बिगनर को शुरुआत में कितने टाइम तक रिजल्ट फास्ट मिलते हैं। तो बिगनर को शुरुआत में देखो स्टार्टिंग में कहूँगा कि 4-5 महीने तक उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद में फिर रिजल्ट काफ़ी स्लो भी हो जाते हैं, प्लेटो स्टेज भी आ जाती है, तो वहाँ पर उसको वेरिएशन देनी चाहिए। सौरभ कपूर कह रहे हैं सर जी सब वीडियो में बोलते हो कि मास गेनर हमेशा की चीज़ नहीं है, ये नहीं बताते ऐसा क्यों, ज़्यादा लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। और सर जैसे मैं अपना बिजनेस करता हूँ कई बार एक टाइम मील नहीं ले पा भी नहीं ले पाता हूँ, तो मील पूरी करने के लिए वो लेता हूँ, मैं उसको कितने टाइम तक ले सकता हूँ, पर मैं जब लेता हूँ मील मिस होती है, तो क्या वो सही है या उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बाकी मैं लेता ओरिजिनल ही हूँ, आपकी वेबसाइट से लेता हूँ, लास्ट टाइम डायमेटाइज लिया था और उससे पहले म्यूटेंट मास गेनर लिया था, अब तक 2 ले चुका हूँ, स्टॉप कर दूँ या चलने दूँ, बस यही क्वेश्चन है सर जी। सौरभ देखो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि मास गेनर हमेशा की चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि देखो जिसकी बॉडी स्किनी है वो अपने आइडल वेट पर लाने के लिए मास गेनर उसको थोड़ा एक पुश दे देता है कि ठीक है 8-10 किलो वजन बढ़ गया, उसके बाद अगर वो मास गेनर खाई जाएगा तो ब्रदर फैट बॉडी में ज़्यादा आ जाएगा, वो मोटा ज़्यादा हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा, तो हमको ओवरवेट नहीं होना है। और दूसरा आप मील छोड़ रहे हो गेनर ले रहे हो कोई फायदा नहीं है, मील पहले है गेनर बाद में है, मैं हमेशा कहता हूं डाइट पहले सप्लीमेंट्स बाद में। बाकी और सप्लीमेंट्स विला से हमेशा जुड़े रहिए क्योंकि ये है विश्वास का दूसरा नाम सप्लीमेंट्स विला फैमिली। अगला क्वेश्चन है ओपी गेमर्स कह रहे हैं सुमित भाई स्टार एक्स साइज गेन प्रोटीन लिया है बट रिजल्ट शो नहीं हो रहे, लीन गेन करना है, मेरी डाइट प्लान पोस्ट वर्कआउट मील बनाना बादाम ये पीनट बटर और ब्रेड, आफ्टर वर्कआउट बनाना शेक विद प्रोटीन स्कूप ड्राई फ्रूट्स पीनट बटर 3 eggs ब्रेड टोस्ट, आफ्टर लंच ब्रेकफास्ट रोटी सब्जी, लंच रोटी सब्जी, इवनिंग टाइम में ऑमलेट 2 eggs चावल चेंज किया ऐड करना है, तो प्लीज़ बताइए लीन बॉडी करनी है लीन गेनिंग करनी है। तो देखो बिल्कुल अच्छी डाइट ले रहे हो आप ऑलरेडी, यहाँ पर आप सबसे पहले जो है जो प्रोटीन आपने लिया है प्रोटीन को आप पानी में लीजिए, उसको बनाना शेक में मत लीजिए, अगर बनाना शेक में लेना है तो उसको हाफ स्कूप लीजिए और ड्यूरिंग डे लीजिए 1 scoop उसको लीजिए पानी में पोस्ट वर्कआउट में, साथ में एक आध बनाना ऐड कर सकते हैं, 1/2 scoop लीजिए उसको जो है बनाना शेक में ड्यूरिंग डे, और इसमें थोड़ा आप रात को सोने से पहले जो है नाइट डिनर ये तो हो गया बिफोर बेड जो है कम से कम आप 700-800 ml डबल टोंड मिल्क भी ऐड कीजिए ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट्स आ सके। अगला क्वेश्चन है आकाश अगर कह रहे हैं भाई स्टार एक्स पावर मास गेनर 3 kg का बॉक्स कितने दिन चलेगा, तो ये आपका ऑलमोस्ट जो है महीने भर चल जाता है ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है महावीर जी कह रहे हैं सुमित भाई जिंदाबाद, संडे के दिन भी डाइट लेनी चाहिए क्या सर, सर चार दिन कब रखे सकते हैं पूरे दिन बाहर, लव यू सप्लीमेंट्स ला। तो बिल्कुल संडे के दिन भी वहाँ भी डाइट लेनी चाहिए क्योंकि डाइट की जरूरत हमको हमेशा रहती है, तो डाइट जरूर फॉलो कीजिए और सप्लीमेंट्स वाला से जुड़े रहिए। तो ये थे क्वेश्चन आपके लास्ट वीडियो में, आपको कोई क्वेश्चन है तो वीडियो में पूछिए, वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए। आज छोड़ने के लिए मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।